वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। सो गाइस, मैं चंदा सिंह एंड स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं आपको लेके जाऊंगी ग्रेस्टोन बीच पे। ग्रेस्टोन की जो मार्केट है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखना। सो चलते हैं और अभी मैं ऑन द वे हूँ, तो आपको आगे का अभी व्यू दिखाती हूँ मैं और आपको बताना चाहूँगी। आज जो मौसम है हल्का हल्का ठंडा हो रखा है, इतनी धूप भी नहीं है, ठंड भी नहीं है। सो गाइस, जो आगे का व्यू है कुछ इस प्रकार का है, आप जैसे ये देख सकते हो, हल्की फुल्की सनशाइनिंग है और अभी बच्चों की छुट्टी हुई है तो अभी बच्चे सब स्कूल से घर की ओर जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर। और कुछ ही टाइम में मैं पहुंच जाऊंगी ग्रेस्टोन और आपको दिखाऊंगी वहां की मार्केट। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुकी हूं ग्रेस्टोन और ये जो सारी मार्केट है ये मैं आपको अभी क्विक दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ। तो मैं आपको अभी गाड़ी से उतर के फिर आपको मैं एक एक शॉप अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। सो गाइस, ये है हैप्पी पियर्स यहाँ पे ग्रेस्टोन में। तो ये स्मॉल सी शॉप है, आपको यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और सामने जी, जैसे कि देख सकते हो आप, ग्रेस्टोन का आई सेंटर है और उसके बगल में ही एक फार्मेसी है। तो यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि है दाता, और एक टेकवे है इंडियन स्पाइस का। सो गाइस, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और पिज़्ज़ा वगैरह, और मतलब आपको टेकवे यहाँ मिल जाएंगे, जैपनीज़ और चाइनीज़ और काफ़ी टाइप का आपको यहाँ मिल जाएंगे। और एक सुपरमार्केट है यहाँ पे जो कि है सुपर वैली के नाम से जानी जाती है, तो आप यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, काफ़ी रिजनेबल प्राइस मिलता है। और यहाँ पे है कैमली रेस्टोरेंट। तो गाइस, यहाँ पे रेस्टोरेंट और जो टेकवे हैं, जो फूड है, इनमें कहीं कहीं इंडियन फूड मिलता है और कहीं जैपनीज़ है, कहीं चाइनीज़ है। तो आप अपनी पसंद से फूड ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, आप चाहे तो आप वहाँ जाके रेस्टोरेंट में जाके कर भी सकते हो भोजन। तो लेके चलती हूँ आपको नेक्स्ट साइड। तो गाइस, यहाँ पे ये है आईटी स्टार और जो जैक रेस्टोरेंट है वो भी इधर ही है। सो गाइस, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है जैसे कि आप देख सकते हो, और सामने ही एक बारबर शॉप है और सामने आप जा सकते हो कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। और छोटे मोटे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं, बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है गाइस। इधर आए आप लोग, शॉपिंग कीजिए। सो गाइज, आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और मतलब अभी जो ये गेस्टरूम का जो मार्केट है काफ़ी बड़ा है और क्राउडेड एरिया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइज, फूल कितने अच्छे लग रहे हैं खिले हुए। सो मैं आपको लेके चलती हूँ अब नेक्स्ट साइड पे, और जो कि है इधर से मैं क्रॉस करूँगी पहले रोड और उसके बाद जाएंगे उस साइड। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आज मैं आपको पूरा ग्रेस्टोन का विज़िट कराऊंगी, पूरा मार्केट। तो आप भी हमारे साथ विज़िट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो गाइस, जो ग्रेस्टोन है वो काफ़ी क्राउडेड एरिया है और आप पॉपुलेशन भी काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन है यहाँ पे। सो गाइस, मोस्टली जो ग्रेस्टोन फेमस है वो फिशिंग के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं फिशिंग वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट यूनियन जो भी है, एक बैंक है यहाँ पे, और ये एक बैंक है बैंक ऑफ आयरलैंड। तो यहाँ पे काफ़ी सारे तो नहीं बोल सकते, मतलब तीन से चार टाइप्स के आप बैंक यहाँ पे देख सकते हो, जैसे AIB हो गया और बैंक ऑफ आयरलैंड हो गया। और फार्मेसी की दुकान आपको यहाँ पे 2 से 3 तक मिल सकती है, आप देख सकते हो। सो गाइस, चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से डार्ट स्टेशन, जहाँ से आप अपने लिए डार्ट ले सकते हो। सो गाइज, ये है डार्ट स्टेशन और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, यहाँ से बेच जा सकते हो, और उसके बगल में ही बस स्टॉप है। सो गाइज, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, तो आज
लोग काफ़ी वगैरह बाहर पी रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से पार्क की साइड। तो यहाँ पे एक स्मॉल सा पार्क है, ये बैठने के लिए जगह है इधर, और ये आप देख सकते हो पूरा ये पार्क का ग्राउंड है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मतलब बैठने के लिए आते हैं, और जैसे अच्छा मौसम होता है तो ये लोग यहाँ पे राउंड मारते हैं। तो काफ़ी अच्छा वेदर है आज का, और आप देख सकते हो। तो चलती हूँ मैं, आपको एक स्मॉल सा गार्डन है आगे, तो आपको दिखाती हूँ वहाँ पे स्मॉल सा गार्डन। सो गाइस मोस्टली लोग यहाँ पे ब्रे से रेस्टोरेंट आते हैं, किल्फ वॉक करके, जहाँ पे मैं कल गई थी आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, ब्रे हेड क्रॉस। तो वहाँ से आते हैं लोग बाई वॉक करके, क्लाइंब करके, तो देख सकते हो। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो डेकोरेशन के लिए ये फूल वगैरह यहाँ लगा रखे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब रोड के साइड वेज और जितने भी मतलब वेज इधर साइड में जो वेज होते हैं वो इनको फूलों से वो सजा देते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। तो सो गाइज़ यहाँ से एक स्मॉल गार्डन की एंट्री, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, चलो चलते हैं अंदर की साइड। और कुछ इस प्रकार का है गार्डन का व्यू, और ये है ग्रेस्टोन सेंसरी गार्डन, स्मॉल सा गार्डन है, यहाँ पे आप आओ बैठो और रिलैक्स कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ के अभी जो मतलब जो पहले की फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। ये कोई रोमियो है मतलब सिंगर है कोई यहाँ पे, और मतलब इन सब लोगों की यहाँ फ़ोटो लगा रखी है। तो ये है ग्रेस्टोन वॉल ऑफ मेमोरीज, मतलब मेमोरीज लगा रखी है लास्ट जो भी है। तो गाइज आप जैसे कि आवाज़ सुन रहे हो यहाँ पे काफ़ी क्राउड हो रखा है, तो मतलब बच्चे वगैरह भी काफ़ी आ रखे हैं यहाँ पे, और मतलब जो मेमोरी है काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लगा रखी है। मतलब एक एक मतलब पता चलता है कि मतलब ये लोग थे, इन्होंने कुछ किया है यहाँ पे, तो ये रिमेम्बरिंग मेमोरी हो जाती है। सो गाइज आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स और स्क्रब्स हर्ब्स और लैंडस्केप आपको यहाँ मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और जो ये है ये एंट्री गेट है यहाँ का। सो गाइज ग्रेस्टोन सेंसरी गार्डन जो है ये एक स्मॉल स्टडी टाउन्स, इट्स मेड अप कमिटेड ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर हुज मिशन इज़ टू कीप द ब्यूटिफुल टाउन ऑफ ग्रेस्टोन एज क्लीन एंड टाइटी एज वुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ टाउन दैट वन वर्ल्ड्स मोस्ट लाइवेबल कम्युनिटी इन 2008। सो गाइज ये काफ़ी अच्छा है, और इसके बारे में मैंने पढ़ा भी है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा गाइज, आप लोग भी विजिट कीजिए यहाँ पे। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो कितने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा है, मतलब डेकोरेट करके रखा हुआ है, आई लव्ड इट। सो आप देख सकते हो जो वॉल्स भी है काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट की हुई है इन लोगों ने यहाँ पे, और नीचे सैंड्स लगे हुए, सैंड है, स्मॉल सैंड्स हैं वाले वाइट कलर के। सो गाइज स्मॉल सा गार्डन है, कितना अच्छा क्लीन करके रखा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो फाइनली गाइज मैं हूँ ग्रेस्टोन के एक स्मॉल गार्डन में, आप जैसे कि देख सकते हो पीछे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, और धूप में जो मेरी आंखें हैं वो खुलती नहीं है बिल्कुल भी, और छोटी छोटी हो जाती हैं, तो जैसे कि सो गाइज नाउ वी हैव टू गो ऑन द सी। सो गाइज मेरे सामने आप देख सकते हो द साउथ बीच, यहाँ से ग्रेस्टोन की जो जर्नी है, बीच की जर्नी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। सो चलते हैं अंदर की साइड।